हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन व्हेन द एबिल माफिया बॉस फोर्सिबली डिड इट विथ हिज डॉटर बेबी सिटर के पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सारा के जाते ही जंगकुक गंभीर आवाज में कहता है, दरवाज़ा बंद करो। तयंग आस पास देखता है, यह उसके अलावा और कोई नहीं था। अचानक कमरे की तापमान गिर जाता है। कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा होने से ऐसे ही ते डर रहा था। और अब जंगकुक ने जब दरवाज़ा क्लोज करने का ऑर्डर देता है, ते इससे और भी ज़्यादा डर जाता है। तयंग गहरी सांस लेकर डोर अंदर से बंद कर देता है। डोर क्लोज होने के बाद जंगकुक अपने डार्क वॉइस में कहता है, व्हाट्स योर नेम? तयंग कहता है, माई नेम इज़ किम तयंग। नाम सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है। जंगकुक तुरंत टेबल पर रखा तयंग के रिज्यूम हाथ में उठा लेता है, ए देखने के लिए कि ए उसका तेई है या फिर कोई और। रिज्यूम के अंदर तयंग के सभी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उसका तस्वीर भी लगी हुई थी। जंगकुक पेपर हाथ में होल्ड कर डायरेक्टली चकल करता है। जंगकुक कहता है, सो योर नेम इज किम तयंग राइट? तयंग सॉफ्ट टोन में कहता है, यस मिस्टर जियोन। जंगकुक कहता है, सो तयंग तुम इस जॉब को क्यों करना चाहते हो? मेरा मतलब है कि तुम टैलेंटेड हो, एडुकेटेड हो और खूबसूरत भी। तुम्हें बहुत आसानी से इससे भी बेटर जॉब मिल सकता है, तो फिर तुम बेबी संभालने का काम क्यों करना चाहते हो? सारा बहुत शरारती है। अब तक तुमने इसका डेमो तो देख ही लिया होगा। तयंग कहता है, नो प्रॉब्लम मिस्टर जियोन, मैं हैंडल कर लूँगा। मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ए सेफ भी है, इसलिए मैं ये जॉब करना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, टेबल के ऊपर एक पेपर्स रखा है, उसे उठा लो। ते दो कदम चलकर टेबल के ऊपर से पेपर्स अपने हाथ में उठा लेता है। जंगकुक फिर से कहता है, आप इस पेपर पर साइन कर दो। तयंग कहता है, मिस्टर जियोन क्या मैं पूछ सकता हूँ इस पेपर में क्या है? जंगकुक कहता है, पेपर्स पर कुछ रूल्स और कंडीशन ऐड कर दिया गया है। अगर तुम्हें जॉब करना है तो इन सारे रूल्स और कंडीशन को मानकर तुम्हें यह जॉब करना होगा। तयंग कहता है, कैसा रूल्स? जंगकुक कहता है, पहला रूल्स, तुम अपने मर्जी से कभी इस मेंशन से बाहर नहीं निकल सकते। अगर बाहर जाना है, बहुत ज़रूरी है, तो तुम्हारे साथ हमेशा मेरे आदमी होंगे। सेकेंड, तुम अपने किसी फ्रेंड के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रख पाओगे। अगर तुमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की तो तुम्हें इसलिए पानिश किया जाएगा और पानिशमेंट बहुत ही हार्ड होगा। थर्ड, जॉब के चलते तुम किसी के साथ रिलेशन में नहीं आ सकते, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। फोर्थ, सारा चाहे कितना भी जीत क्यों ना करे, तुम उसे मेरे परमिशन के बिना मेंशन से बाहर नहीं लेकर जाओगे। सारा जब स्कूल जाएगी तब तुम दोनों के साथ मेरा गार्ड होगा या फिर मैं। इसके बिना बाहर जाने की परमिशन नहीं है। सारा को जंक फूड नहीं देना है, उसे हेल्थ की इशू है, तो उसके लिए हमेशा हेल्दी फूड ही होना चाहिए। ध्यान रहे, रात के 8 बजे के बाद सारा बेड पर होना चाहिए। उसे स्विमिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसके आर्म्स पर चोट लगने के कारण डॉक्टर ने उसे स्विम करने के लिए मना किया है, तो उसे पानी से हमेशा दूर रखना है। और आखिरी रूल्स, अब से तुम इसी मेंशन में रहोगे और तुम्हारे लिए रूम मैं डिसाइड करूँगा। अभी तुम जिस कमरे में रह रहे हो, कल से तुम उस कमरे में नहीं रहोगे। और एक बात, कल से तुम क्या पहनोगे वो भी मैं डिसाइड करूँगा। इज़ दैट क्लियर? तेंग हेजिटेट करते हुए कहता है, सॉरी मिस्टर जियोन, मैं थोड़ा कन्फ्यूज्ड हूँ। आई थिंक मैं ही आपके डॉटर की बेबी सिटिंग के लिए आया हूँ, किसी मैरिज शो में परफेक्ट ग्रूम बनने की रेस में हिस्सा लेने नहीं आया हूँ। अगर बेबी सिटिंग के लिए इतने सारे रूल्स होंगे तो फिर शायद मैं इस जॉब को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। मेरे लिए दोस्त और फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं उनके बिना कुछ नहीं हूँ। मेरे मॉम की ऑलरेडी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, उनको मेरी ज़रूरत है। मुझे इस जॉब से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और मुझे अभी मानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर मैं इतने सारे रूल्स और कंडीशन के साथ ये जॉब नहीं कर पाऊँगा। आई एम सॉरी मिस्टर जियोन। जंगकुक इविली स्मार्क करते हुए कहता है, डू यू नो हु आई एम?
तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मुझे रिजेक्ट करने का परिणाम क्या होगा? तेयंग कहता है, यस यू आर सारा फादर। जोंगकुक कुर्सी से उठकर खड़े होकर वॉक करते हुए तेयंग के करीब आकर हाथ हिलाते ही कमरे में सभी लाइट्स ऑन हो जाता है। तेयंग एक बार फिर अपने सामने हार्टलेस माफिया को देखकर एक पल के लिए सांस लेना ही भूल जाता है। फेयर से तेयंग अपना कदम पीछे लेने लगता है और जोंगकुक जो अभी तेयंग के सामने बिल्कुल शांत खड़ा था, उसके फेस पर एक इविल स्माइल था और उसके आंखों में ते अपने लिए लास्ट क्लियरली देख पा रहा था। तेयंग अपने ही स्लाइबा निकालते हुए दरवाजे की ओर जाने लगता है, तभी जोंगकुक सेक्सी वॉयस में कामली कहता है, वेलकम होम बेबी बॉय, मुझे तो पता ही नहीं था जिसके लिए मैं पूरा दिन पागलों की तरह घूम रहा था, जिसे मैं हर एक जगह पागलों की तरह ढूंढ रहा था, पागल हो रहा था, उसके लिए वो मुझे अपने ही घर में मिल जाएगा। लव डू यू मिस मी, ए कहकर जोंगकुक वॉक करते हुए ते के पास आने लगता है। तेयंग हिम्मत करके उस पर चिल्लाते हुए कहता है, स्टॉप, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना वरना इस बार पहले से भी ज़्यादा बुरा हाल करूँगा। तेयंग के बात पर जोंगकुक वाइडली मुस्कुराते हुए उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। ते पेपर नीचे गिराकर भागने की कोशिश करता है, तभी जोंगकुक उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास पुल कर एक हाथ उसके कमर पर रख टाइटली अपने सीने में होल्ड करके कहता है, ना ना बेबी बॉय, यहाँ से और मुझे छोड़कर भागने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। अगर तुमने गलती से भी भागने की गलती की, आई विल नॉट हेजिटेट टू किल यू, यू आर माइन। तेयंग उसके चेस्ट पर मुक्के बरसाते हुए कहता है, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ खेलने के बारे में सोच रहे हो, मैं इंसान हूँ, लीव मी, मुझे तुम्हारी जॉब और पैसा नहीं चाहिए, मुझे यह से जाने दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। जोंगकुक हार्शली उसका जॉ पकड़ कर उसके लिप्स के साथ लिप्स जोड़ कर उसे किस करने लगता है। ते उसे लगातार हीट कर रहा था, पर इससे जोंगकुक को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जोंगकुक किस करते हुए उसे अपने बाहों में उठाकर चलते हुए टेबल के पास आ जाता है। जोंगकुक उसे टेबल के ऊपर बिठाकर झुककर उसे किस करते हुए कमर से हैंड स्लाइड कर पैंट की बेल्ट तक आ जाता है। जब ते को इस बात का एहसास होता है कि जोंगकुक किस के बाद उसके साथ और क्या करना चाहता है, इस बारे में सोचकर ही ते उसे पीछे धक्का देकर रोते हुए कहता है, प्लीज डोंट डू दिस मिस्टर जोन, आई बेग यू, लेट मी गो। जोंगकुक शांति से कहता है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट लव, अभी मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तेयंग टेबल से उतर कर खुद को जोंगकुक से दूर करते हुए कहता है, डोंट कॉल मी लव, आई एम नॉट योर लव, तुम जो कर रहे हो एक क्राइम है, तुम किसी के साथ फोर्सफुली किसी भी तरीके के रिश्ता नहीं बना सकते, चाहे वो फिजिकली हो या फिर। जोंगकुक बीच में तेयंग की बात काटते हुए एंग्री टोन में कहता है, शट अप, डू यू नो मुझसे इस तरह से बात करने से तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ का लॉ मैं बनाता हूँ, मेरे लिए कुछ भी क्राइम नहीं है, भागना बंद करो और मेरे पास आ जाओ, यू आर माइन, तो तुम्हारे साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तेयंग शांति से कुछ सोचने लगता है। ते मन ही मन सोचता है, अगर मैं अभी उसे और ज़्यादा गुस्सा दिलाया तो पता नहीं ये मॉन्स्टर मेरे साथ क्या करेगा, तो मुझे अभी उसके साथ अच्छे से बात करना होगा और चालाकी से इस सिचुएशन से निकालना होगा, इससे पहले कि वो मुझे कच्चा खा जाए। ते सोच में बिजी था, तभी अचानक उसे अपने स्टोमक के अराउंड दो स्ट्रॉन्ग आर्म्स महसूस होता है। तेयंग तुरंत उस हाथ के तरफ देखकर अपने ही ब्रीथ को सक करते हुए कहता है, स्टॉप मिस्टर जियोन। जोंगकुक उसे इग्नोर कर तेयंग के नेक से लिप्स जोड़ कर वह किस करने और लिप्स को ब्रश करने लगता है। तेयंग कहता है, प्लीज़ मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे सोचने के लिए और खुद को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा टाइम दे दो, प्लीज़ आई बेग यू। जोंगकुक ते के नेक पर फेदरी किस करते हुए कहता है, इसमें तैयार होने वाली कौन सी बात है, मैं तुम्हें अपने साथ माफिया मिशन पर नहीं ले जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ
लव मेकिंग करना चाहता हूँ लव। तैयब डर से फिर से रोना चालू कर दिया था। जैसे ही तैयंग के आंखों से आंसू ड्रॉप होकर जोंगकुक के हाथ में गिरता है, जोंगकुक उसे ना चाहते हुए भी अपने से अलग कर पेपर उसके सामने आगे करते हुए कोल्ड टोन में कहता है, इस पर साइन करो, अभी मैं तुम्हें अभी जाने दूंगा। तैयंग उससे बचने के लिए पेपर पर साइन कर देता है। जोंगकुक पेपर तेज से लेकर इसे टेबल पर रख कर कहता है, नाउ यू कैन गो लव। तैयंग भागते हुए डोर के पास आ जाता है। तेई डोर ओपन करने ही वाला था तभी जोंगकुक कहता है, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारे दोस्त और मादर को मार दूंगा। तैयंग डोर ओपन कर भागते हुए अपने कमरे में आकर डोर अंदर से लॉक कर बेड के पास ग्राउंड पर ही बैठकर कांप रहा था। उसने खुद को इस हालत से संभाल भी नहीं पाया था। उतने में ही डोर पर फिर से नॉक होता है। तैयंग आंसू वाइप कर धीरे से पूछता है, कौन? तभी बाहर से एक मेड कहती है, मैं हूँ लिली, सार ने मुझे यह भेजा है। तैयंग ग्राउंड से उठकर खड़ा हो जाता है। तैयंग डोर ओपन करके कहता है, मिस्टर जियोन आपको यह किस लिए भेजा है? लिली कहती है, सार का ऑर्डर है कि मैं आपसे आपका फ़ोन लेकर सार को देकर आऊँ। तैयंग कहता है, माई फ़ोन, लेकिन क्यों? लिली कहती है, आई डोंट नो। तैयंग कहता है, मैं अपना फ़ोन नहीं दूंगा, रूल्स में कहीं भी फ़ोन देने के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। लिली कहती है, ठीक है, मैं जाकर सार से कह दूंगी कि आप अपना फ़ोन नहीं देना चाहते। तैयंग फिर से डोर बंद कर बेड पर आकर लेट जाता है। लिली डोर पर नॉक करते ही जोंगकुक कहता है, फ़ोन यहाँ रख दो। लिली कहती है, सर, उसने कहा कि वो अपना फ़ोन नहीं देना चाहता। जोंगकुक कहता है, ठीक है, तुम जाओ। अगले दिन सुबह सनराइज की रोशनी तैयंग के चेहरे से टच होते ही ते आइस रब करते हुए बेड पर उठकर बैठ जाता है। लास्ट नाइट को याद कर ते सैड हो जाता है। ते फ्रेश होकर जेहोब को कॉल करता है, लेकिन जेहोब कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। ते टाइम देखने के बाद उसे टेक्स्ट भेजता है। अभी सुबह के 7 बज रहे थे। उसका मन नहीं था कमरे से बाहर जाने का। ते चलकर विंडो के पास आ जाता है। विंडो से ते जैसे ही नीचे देखता है, उसे बाहर गार्डन में जिमिन एक्सरसाइज करते हुए दिखाई देता है। जिमिन जिम आउटफिट में बहुत ज़्यादा हॉट और अट्रैक्टिव लग रहा था। सनलाइट की रोशनी से उसका पसीना भी मोती की तरह चमक रहा था। अचानक भागते हुए जिमिन ऊपर तैयंग के कमरे की ओर देखता है। ते को विंडो के पास खड़ा देखकर जिमिन हाथ हिलाकर उसे हाय बोलता है। ते भी उसे देखकर स्माइल करता है। जिमिन लाउड वॉइस में कहता है, कम एंड ज्वाइन मी। तैयंग जिमिन के बात पर नोट कर कमरे से निकलकर गार्डन की तरफ जाने लगता है। तभी पीछे से सारा कहती है, हेलो तेतेई। तैयंग पीछे मुड़कर सारा को देखकर स्माइल करके कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी गर्ल, क्या तुम्हें लास्ट नाइट अच्छे से नींद आई थी? सारा कहती है, यस तेतेई, आई एम हंग्री। तैयंग कहता है, ओके, मैं आजुम्मा से कहता हूँ, वो तुम्हारे लिए जल्दी से कुछ हेल्दी सा बना देंगी, ओके। सारा लिप्स पर पाउड बना लेती है। ते सारा को सैड देखकर कहता है, बेबी मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख लूँगा, एक बार सब अच्छे से लर्न कर लूँ उसके बाद मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊँगा, ठीक है? सारा कहती है, नहीं, मुझे अभी तुम्हारे हाथ का बना हुआ पैनकेक ही खाना है। तभी पीछे से जिमिन कहता है, सारा जिद मत करो, उसने कहा ना उसे खाना बनाना नहीं आता है, मेड तुम्हारे लिए बना देंगी, जाओ जाकर चुपचाप टेबल में बैठो, मुझे फिर से यह कोई नॉइज नहीं चाहिए, अंडरस्टैंड? सारा जिमिन के डर से तैयंग के पीछे जाकर चुप जाते हैं। तैयंग कहता है, इट्स ओके मिस्टर पार्क, मैं कुछ करता हूँ। जिमिन कहता है, तुम मुझे मिस्टर पार्क कहकर नहीं बुलाओगे, तुम मुझे आपसे जिमिन कहकर बुलाओगे। तैयंग कहता है, मैं कैसे? यू आर माई बॉस। जिमिन स्माइल करके कहता है, आई एम नॉट योर बॉस, तुम मिस्टर जियोन के लिए काम करते हो, आई थिंक हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तैयंग कहता है, यस यू आर राइट, तुम बहुत अच्छे हो और काइंड भी, उस मॉन्स्टर की तरह हार्टलेस नहीं हो। लास्ट वाला लाइन ते धीरे से कहता है। जिमिन कहता है, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे नाम से बुलाओगे तो। तैयंग कहता है, ओके जिमिन। जिमिन फ्रेश होने के लिए कमरे में आ जाता है। ते सभी फूड चेक करने के बाद कहता है,
सारा, ये फूड तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तुम इसे खा सकती हो, सारा मुंह बनाते हुए कहती है। लेकिन तेई, ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। तेया कहता है, किसने कहा, मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और याम्मी लग रहा है, चलो खाओ, बाद में मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट वाली बात से सारा खुश होकर तेयांग के गाल पर किस करके कहती है, तुम बहुत अच्छे हो, डैड के बाद मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जोंगकुक आफ्टरनून में नींद से उठकर नाइट स्टैंड के पास से फ़ोन हाथ में लेकर किसी को कॉल करके पूछता है, कल मैंने तुमसे जो काम करने के लिए कहा था क्या तुमने वो किया? फ़ोन की दूसरी तरफ से वो आदमी कहता है, यस बॉस, काम हो गया है, अभी 5 मिनट में न्यू क्लोथ और न्यू ब्रांडेड फ़ोन मेंशन में पहुंच जाएगा। जोंगकुक कहता है, गुड। कॉल कट कर जोंगकुक शावर के लिए बाथरूम आ जाता है। आधे घंटे के बाद जोंगकुक तैयार होकर कमरे से निकल कर सीढ़ियों से चलकर नीचे आने लगता है, तभी वो देखता है तेई को, जो अभी जिमिन और उसके स्टेप मदर के साथ बैठकर लंच करने और उनसे बात करने में बिजी था। तभी मिसेज जियोन कहती है, गुड आफ्टरनून जोंगकुक। जोंगकुक चेहरे पर एक फेक स्माइल लेकर कहता है, गुड आफ्टरनून मिसेज जियोन। जिमिन कहता है, हे व्हाट्स अप ब्रो, तुम्हारे आंखें इतना लाल क्यों है, क्या तुम्हें लास्ट नाइट अच्छे से नींद नहीं आई थी? मॉम, आपके पास हेड मसाजिंग के एक मशीन है ना, वो बहुत काम का है, आप उस मशीन को जेके के रूम में भिजवा देना। जोंगकुक, अगर तुम्हें नींद ना आए ना तो तुम उससे हेड मसाज करना, तुरंत नींद आ जाएगा। 2 दिन पहले मैंने इसे खुद ट्राई किया था, ये बहुत अच्छा काम करता है। जोंगकुक कहता है, नो नीड, मैं ठीक हूँ। जोंगकुक तेयांग के पास बैठकर कहते हैं, सारा कहाँ है? तेई कहता है, मिस्टर जियोन, सारा भी गार्डन में गेम खेल रहा है। जोंगकुक कहता है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या मैंने तुम्हें इसीलिए जॉब पर रखा ताकि तुम यहाँ बैठकर सबके साथ गॉसिप करो? तेयांग तुरंत कुर्सी से उठकर खड़े होकर कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर जियोन, मैं अभी सारा के पास जा रहा हूँ। जोंगकुक कहता है, नहीं रुको लिली, सुबह मेरे लिए जो पार्सल आया है उसे लेकर आओ। लिली पार्सल लाकर जोंगकुक के सामने रख देती है। जोंगकुक कहता है, अपना फ़ोन दो। तेई कहता है, व्हाट? जोंगकुक कहता है, मुझे एक ही बात दोबारा रिपीट करने की आदत नहीं है, फ़ोन मुझे दो। जॉब के एक रूल्स और भी है कि तुम अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, अब से तुम मेरा दिया हुआ फ़ोन का ही इस्तेमाल करोगे। जैसे कि तुम्हें पता है मैं एक माफिया हूँ, माफिया के बहुत सारे एनिमीज होता है, मुझे और सारा को हार्म करने के लिए वो लोग तुम्हें यूज़ करने के बारे में ज़रूर सोचेगा, इसलिए तुम अब से इस फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस फ़ोन से तुम सिर्फ मुझे कॉल कर सकते हो, और एक क्लोथ तुम्हारे लिए है, अब से तुम इस तरह के क्लोथ वेयर नहीं करोगे जिससे तुम्हारे स्किन शो हो। तेयांग चुपचाप सामान लेकर कमरे में आ जाता है। शाम को ते सारा के साथ कार्टून मूवी देख रहा था, सारा मूवी देखते हुए ही तेयांग के लैप पर सो गई थी। तभी मेड आकर तेई से कहती है, मिस्टर किम हरी अप, यू हैव टू गेट रेडी। तेयांग कहता है, व्हाई? मेड कहती है, मिस्टर पार्क आपके लिए ये शॉपिंग बैग देकर कहा कि मैं इसे आपको देकर कहूँ, मिस्टर पार्क आपके लिए नीचे लिविंग रूम में बैठकर इंतज़ार कर रहा है, जल्दी से इसमें जो क्लोथ है उसे पहनकर 20 मिनट के अंदर नीचे जाने के लिए कहा है, मिस्टर पार्क आपको उनके साथ पार्टी में ले जाना चाहता है। तेयांग कहता है, नहीं मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मिस्टर जियोन को पता चला तो वो मुझे मार देगा। तभी जिमिन दरवाजे के बाहर से कहता है, मैं सब संभाल लूँगा, तुम तैयार हो जाओ, पार्टी में बहुत मज़ा आएगा, और अभी सारा भी सो रही है, मॉम है वो सब कुछ हैंडल कर लेंगी, प्लीज़ कम विद मी। जिमिन के इतने रिक्वेस्ट करने पर ते उसे मना नहीं कर पाता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।